कोलकाता शहर के ठाकुरपुकुर इलाके में बुधवार सुबह स्कूली वाहन पलटने से कई छात्र घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना जेम्स लॉन्ग सरानी पर दासपारा के निकट सुबह करीब 6:30 बजे हुई, जब वाहन सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकरा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पलटे हुए वाहन से छात्रों को निकाला। कई छात्रों को मामूली चोटें आईं। छात्र अपने माता पिता के साथ घर चले गए, जो दुर्घटना के बारे में सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस इलाके में सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है और वाहन संभवतः वहां पड़े किसी पत्थर से टकरा कर पलट गया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। कोलकाता शहर के ठाकुरपुकुर इलाके में बुधवार सुबह स्कूली वाहन पलटने से कई छात्र घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना जेम्स लॉन्ग सरानी पर दासपारा के निकट सुबह करीब 6:30 बजे हुई, जब वाहन सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकरा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पलटे हुए वाहन से छात्रों को निकाला। कई छात्रों को मामूली चोटें आईं। छात्र अपने माता पिता के साथ घर चले गए, जो दुर्घटना के बारे में सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस इलाके में सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है और वाहन संभवतः वहां पड़े किसी पत्थर से टकरा कर पलट गया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। कोलकाता शहर के ठाकुरपुकुर इलाके में बुधवार सुबह स्कूली वाहन पलटने से कई छात्र घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना जेम्स लॉन्ग सरानी पर दासपारा के निकट सुबह करीब 6:30 बजे हुई, जब वाहन सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकरा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पलटे हुए वाहन से छात्रों को निकाला। कई छात्रों को मामूली चोटें आईं। छात्र अपने माता पिता के साथ घर चले गए, जो दुर्घटना के बारे में सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस इलाके में सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है और वाहन संभवतः वहां पड़े किसी पत्थर से टकरा कर पलट गया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।